बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से आयोजित 67वीं परीक्षा के दौरान आरा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आरा शहर के कुंवर सिंह कॉलेज में बीपीएससी की परीक्षा का केंद्र बनाया गया था, जहां बिहार के अलग अलग जिलों और बिहार के सटे हुए राज्यों से भी परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हुए थे। परीक्षा केंद्र पर समय से पेपर नहीं देने पर हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना भोजपुर के बड़े अफसरों को दी गई। सूचना मिलने के बाद भोजपुर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। इस मामले को लेकर दिन भर हंगामे का दौर चलता रहा। हंगामे के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो बिहार सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के दावों को ठेंगा दिखाने के लिए काफी है। दरअसल परीक्षा केंद्र पर जब प्रश्न पत्र देने में देरी हुई तो कई परीक्षार्थी अपने कमरे से बाहर आकर केंद्राधीक्षक से देर होने का कारण पूछने लगे, जहां परीक्षार्थियों ने देखा कि केंद्र के दो ऐसे कमरे हैं जो बंद हैं, लेकिन वहां परीक्षार्थी बैठे हुए हैं। जब उम्मीदवार उस कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में कई परीक्षार्थी को पेपर दिया गया है और वह परीक्षा भी दे रहे हैं। इसके बाद वहां मौजूद सभी परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट गया। सभी ने केंद्र पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उसी दौरान कई परीक्षार्थियों ने अपने मोबाइल में परीक्षा में कदाचार होने का वीडियो बना लिया। वीडियो में कई परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए दिख रहे हैं, साथ ही हाथों में मोबाइल भी दिख रहा है। वहीं वीडियो बना रहा युवक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहा है। वीडियो के अंत में वीडियो बना रहे युवक के हाथ के साथ मारपीट भी की जाती है। इलाहाबाद से परीक्षा देने आई प्रिया सिंह ने बताया कि उनके बगल वाले कमरे में पेपर दी गई थी। वहां कैंडिडेट्स बैठकर परीक्षा दे रहे थे, लेकिन सभी परीक्षार्थी को पेपर नहीं दिया गया था। उन्होंने बताया कि करीब 12 बजे तक पेपर नहीं मिला था। वहीं नीचे के दो कमरों में बंद करके पेपर ली जा रही थी। वहीं एक युवक ने यह आरोप लगाया कि हमें बार बार टेक्निकल गड़बड़ी बताकर पेपर नहीं दी जा रही थी। जब हम सभी नीचे आए तो देखा वहां दो कमरों में परीक्षा ली जा रही है, जिसके बाद हम लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि कुंवर सिंह कॉलेज में हंगामे की सूचना मिली, जिसके बाद केंद्र की जांच की गई और परीक्षार्थी से भी बात की गई। शिकायत उम्मीदवारों के हैं वो लिख कर देंगे, जिसके बाद आयोग को भेज दिया जाएगा। आयोग के फैसले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जितने लोग दोषी पाए जाएंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सभी अभी परीक्षार्थियों के पास मोबाइल कहां से आए थे? क्या गेट पर चेकिंग के नाम पर केवल कोरम पूरा किया गया था? इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 67वीं आरा परीक्षा आरा शहर के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में ली जा रही थी। परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसके लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश बनाए गए थे। उसके बाद भी उम्मीदवारों ने केंद्र पर समय से पेपर नहीं दिए जाने पर केवल दो कमरों को बंद करके परीक्षा लेने का आरोप लगाया है। दस सूत्रों की माने तो गुस्साए परीक्षार्थियों ने कई ओएमआर सीट भी फाड़ दिए। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अभी हंगामा कर रहे हैं सर, क्या मांगे हैं अभ्यर्थियों का? देखिए, कुछ यहाँ पे बात सामने आई है कि परीक्षा में कोई समस्या हुई है। सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई इशू हुआ है वो अपना लिखित आवेदन दे दें, सभी कंपाइल करके हम जिला से हम लोग बीपीएससी को देंगे। अंतिम जो निर्णय होगा आयोग की तरफ से लिया जाएगा, उसके हिसाब से सभी बच्चों को या जो भी कैंडिडेट्स उनको बता दिया जाएगा। सर, यहाँ सूचना क्या देखिए, लापरवाही का लोग? देखिए, अभी ये इस तरह से कुछ भी कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। भीड़ में बात करने में बहुत तरीके की बातें आती हैं पूरे, इसीलिए हम लोगों ने ये बोला है कि आपको जो भी कैंडिडेट्स उनको जो कहना है वो अपना रिटर्न में प्रतिवेदन यहाँ SDO हैं उनको दे देंगे। पूरे मामले की जांच होगी, जांच के अनुसार जो भी आयोग निर्णय लेगा वही फाइनल होगा।